मोदी जी, सुन लो हमारे बात, वादा करके मुकर जाओ ऐसा हम यार नहीं, कि वादा करके मुकर जाओ ऐसा हम यार नहीं। अब तेजस्वी यादव के दिल है, भाजपा की सरकार नहीं। तो आज फिर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछा कि 10 लाख नौकरी कब दोगे? तेजस्वी यादव से कहां पूछा पहले से, जैसे उन लोग को पता है कि चुनाव हारने वाले 4 तारीख को देखिएगा, 4 तारीख को चुनाव हारने वाला है। कौन कह दिया कि चुनाव जीतने वाला है? 4 तारीख चुनाव जीतने वाला, 4 तारीख को देख लीजिएगा, जीतने वाला है मेरे भाई। कल लड़ रहे कमल के नाम पे लड़ रहे, अभी तो समाप्त हो गए पटिए। हाँ नीतीश चाचा, तोर पार्टी समाप्त हो गए। नीतीश चाचा को लाने के लिए तेजस्वी इतना परेशान क्यों है? परेशान नहीं है। अरे देखिए, तेजस्वी यादव बोले है ना कि मैं नहीं जा रहा। भाई नीतीश सरकार के पास विजन है, उनको 40 के 40 और बताते हैं। कहे नहीं तेजस्वी यादव अपने खुद खड़े हुए, शायद एक सीट बचा भी लेते। बोलने की ताकत है ना? ताकत 4 तारीख तक रहेगा, 4 तारीख के बाद ये ताकत ईवीएम पे आ जाएगा, 4 तारीख के बाद ये ताकत ईवीएम पे भंडा फोड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का और तेजस्वी जो साथे रहे चाचा भतीजा बनकर, तो इस हिसाब से हमको लगता है तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं। चाचा का उनके तन मन धन सब भाजपा के साथ है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं और जनता के राय को जानेंगे। देखिए, मुद्दा ये है कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शरीर तो उधर है लेकिन मन जो है वो हमारे पास है। तेजस्वी यादव का ये बयान भी आपने सुना होगा, लेकिन इसी बयान पे आज हम जनता की राय जानेंगे कि तेजस्वी यादव जो कहते हुए आए हैं क्या वो सच में सच है। देखिए, महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे तो वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि 2014 में जो आया था वो 2024 में जाएगा। इन तमाम बातों को तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं और इन्हीं बातों से आज हम जनता का जो है मूड जानेंगे कि आखिर जनता जो है वो क्या चाहती है, क्या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सच में सही है या गलत है। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। राजू कुमार। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार का शरीर उधर है लेकिन मन तो इधर है, आपको क्या लगता है? अब हम कैसे बता राजनीति के बाद? अच्छा, तो कुछ तो बताइएगा ना। ना, राजनीति के बाद हम कैसे बताएंगे? अच्छा ठीक है, मत बताइए। आप एक बात बताइए कि कौन बढ़िया है? बढ़िया तो है तेजस्वी यादव। हाँ, वही काम अच्छा भी करेंगे। हाँ अच्छा, चलिए। गरीब का अनाज कहाँ कहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है, सब अमीर लोग मिल जाता है। गरीब लोग लंबर में रहता है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 5 किलो मुफ्त में अनाज देते हैं। 5 किलो में एक महीना खा लेगा गरीब आदमी? नहीं हो पाता। हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, इधर आइएगा चाचा। 1 क्विंटल उनको दिया जाता है, वो हमेशा आकर आए यहाँ एक महीना रह के दिखा दे, खा के दिखा दे। नहीं हो पाएगा। नहीं, 5 किलो पर खा लेगी आप। अच्छा चाचा, एक सवाल था मेरा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा का शरीर तो उधर है लेकिन मनवा इधर है। क्या है, पलटी मारेंगे? पलटी मारेंगे। हाँ, पलटू राम है ये है। फाइनल है। फाइनल है। हाँ, मतलब एकदम आप कह रहे हैं? हाँ, पूरा बात एकदम फाइनल हो गया। हाँ जी, फाइनल है। आ जाएंगे क्या? हाँ आ जाएंगे। अच्छा आप बताइएगा, पूरा चश्मा वश्मा लगाए एकदम, नाम बताइएगा। मेरा नाम राजेश हुआ। अच्छा एक बात बताइएगा, तेजस्वी यादव कहे कि चाचा का शरीर उधर है एनडीए में लेकिन मन जो है वो इधर है। नीतीश कुमार का और तेजस्वी जो साथे रहे चाचा भतीजा बनकर, हाँ। तो इस हिसाब से हमको लगता है तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अब नीतीश कुमार कहते हैं कि उधर नहीं जाएंगे, उधर गलत करता था सब। देखिए, जब तक नीतीश कुमार को वहाँ पर जब तक ठीक लगेगा, हाँ। तो वहाँ रहेगा। अच्छा। और जहाँ वहाँ भी कुछ उसको होगा, हाँ। तो मतलब नीतीश कुमार में कुछ खासियत है, हाँ। ऐसा लिस्ट दिखावेगा कि तब जैसे विधान मोदी जी का भी साथ है, अब हमको भी लगता है कि तेजस्वी के साथ विधानसभा वाला में जो होगा ना उसके में चल जाए। विधानसभा में तेजस्वी के पास? हाँ लगता है आप? हाँ। आप बताइएगा भैया, क्या क्या हुआ? मेरा नाम तो रोहित है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा का शरीर उधर है लेकिन मन इधर है। बिल्कुल बात साथ है। सही है बात। चाचा का मन बिल्कुल है आरजेडी तरफ आने का। फिर से देखिए ना, चाचा का भी पार्टियां समाप्त हो रहा है, जो सम्राट चौधरी बोले थे ना कि नीतीश कुमार जी का पार्टी समाप्त कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे राजनीति। तो नीतीश चाचा का पूरी तरह से अभी पार्टी समाप्त होने वाला है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लेकिन सम्राट चौधरी लोग सब साथी हैं। मोदी जी थे, हाँ।
मोदी जी के बगल में नीतीश कुमार जी थे ठीक, और कमल धराया हुआ था, उनका तीर छाप कहाँ गया? क्योंकि पटना में रविशंकर जी कमल छाप पे लड़ रहे हैं, इसलिए कमल वहाँ दिखाया गया था। और जहाँ तीर छाप उनको दिखाया जाता है जाने भी दिखाएगा तो कमल ही दिखाएगा। रविशंकर लड़ रहे हैं, कमल के नाम पे लड़ रहे हैं। अभी तो समाप्त हो गलवा पार्टी है। हाँ नीतीश चाचा, तो पार्टी समाप्त हो गलवा, फिक्स रहिए आप। फिलहाल 2019 में लालू यादव के जो पार्टी था उसका 0 सीट आया था, 1 सीट जीतने का औकात नहीं था। ईवीएम घोटाला था, सुप्रीम कोर्ट में अभी देखिए ना, इंस्टाग्राम उत्तर प्रदेश में अभी भी जो वोट देने जा रहा है सपा पार्टी के समर्थन लोग, तो वहाँ का पुलिस लोग उसको मार रहा है, लाठी से मार रहा है, जूता से मार रहा है। मेरा ईवीएम घोटाला बोल रहे, सुनिए पहले, ईवीएम का घोटाला बोल रहे, एक मिनट सुनो पहले मेरा बात सुनो। ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं? वही सुप्रीम कोर्ट बुलाता है इलेक्शन कमीशन के सामने कि आप आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए। एक भी पार्टी नहीं आता है, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं दिखा? आप देख लीजिए, आप एक भी वीडियो दिखा। सुनिए, पार्टी नहीं जाता है वहाँ पे एक पार्टी नहीं जाता ईवीएम को है। बस पहले से जैसे उन लोग को पता है कि चुनाव हारने वाले 4 तारीख को देखिएगा, 4 तारीख को चुनाव हारने वाला है। कौन कह दिया कि चुनाव जीतने वाला है? 4 तारीख चुनाव जीतने वाला है, 4 तारीख को देख लीजिएगा, जीतने वाला है मेरे भाई। चुनाव बिल्कुल जीत है, 3 तारीख से ही जो ईवीएम का रोना है, ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। और चार आपको कहने से हाथ उठाइए तो खाली, आपको कहने से खाली होता है, आपको कहने से हो जाएगा हाथ उठवाइए। यहाँ पे अगर किसी एक पार्टी का ये 140 करने के लिए बोलिए ना, 40 करोड़ महंगाई बात करने के लिए बोलिए ना। महंगाई कहाँ ज्यादा है? महंगाई 1400, महंगाई जब 2014 राशन की बात कर रहे हैं ना, सुनिए, ये कह रहे हैं कि 25,000 का फोन हाथ में, अब महंगाई का बात करिएगा, क्या बात करेंगे? अरे मोदी जी हमको फोन वाली है क्या? कौन दिया बताइए? बोल रहे हैं कि नीतीश चाचा को लाने के लिए तेजस्वी इतना परेशान क्यों है? परेशान नहीं है। अरे देखिए, तेजस्वी यादव बोले हैं ना कि मैं नहीं जा रहा। सुनिए भाई, आप नहीं बोले, फालतू नाम पड़ गया। सुनिए, इनका सुनेंगे फिर आपका सुनेंगे। इसलिए परेशान है कि बिहार में तो 40 सीट आने वाला नहीं है, और हमको नीतीश सरकार के पास विजन है। उनको 40 के 40 और बताते हैं, काहे नहीं तेजस्वी यादव अपने खुद खड़ी हुए, शायद 1 सीट बचा भी लेते। तेजस्वी यादव खुद खड़ी हो जाते तो शायद 1 सीट बचा भी लेते। खड़ा नहीं हुए, सुनिए, खड़ा नहीं हुआ, एक दूसरे को ये बता रहे हैं। खड़ा क्यों नहीं है? दलित लोग पे देख लीजिए क्या वो सीट दिए हैं? कैसे नहीं? कौन दलित तो देख लीजिए, तेजस्वी यादव ने दलित लोग देख लीजिए, तेजस्वी यादव दलित का बात करते हैं। प्रचार में तो धकेल दिया गया, कौन परिवार में सीट नहीं लिया हुआ है बताइए? बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में ये नहीं है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहेगा सबसे बड़ा समस्या है तो परिवारवाद समस्या है। अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा समस्या है तो परिवारवाद समस्या। सुनिए पहले, परिवारवाद का अर्थ होता है कोई एक पार्टी पे पूरा का पूरा परिवार का अर्थ हो। अच्छा सुनिए, अगर बोलने की ताकत है ना, ताकत 4 तारीख तक रहेगा, 4 तारीख के बाद ये ताकत ईवीएम पे आ जाएगा, 4 तारीख के बाद ये ताकत ईवीएम पे भंडा फोड़ा जाएगा। सुनिए, आज भी कल भी ईवीएम का बोल रहे थे, आज भी है जबरदस्ती जीत होगा मोदी जी का, जबरदस्ती जीत का मोदी जी। सुन लो हमार बात, वादा करके मुकर जाओ ऐसा हम यार नहीं, कि वादा करके मुकर जाओ ऐसा हम यार नहीं। अब तेजस्वी यादव के दिल है भाजपा की सरकार नहीं, जो करते हैं तेजस्वी यादव। हाँ, जो कहते हैं नौकरी के मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी तेजस्वी यादव के समय हो जाता था तो पैसा लेकर नौकरी दिया जाता था। ये भैया बोले कि नौकरी नीतीश कुमार दिए, ठीक है, लेकिन यही जो जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार मिले थे तो कुछ मीडिया चैनल सुने, अरे भाई मेरी पहले हिम्मत है सुनने का बुरा।
बोलने का हिम्मत है तुम्हें? जब बोलेगा फिर हम लोग को हम आपको जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार मिले थे बीजेपी के नेता सारे युवा तो आज फिर बोल रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछा कि 10 लाख नौकरी कब दोगे? तेजस्वी यादव से कहा पूछा? जो बीजेपी वाला बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था तो वही बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से नौकरी मांगता, तेजस्वी यादव से क्यों मांगने गया था नौकरी? तो तेजस्वी यादव ही दिया ना जी 10 लाख का नौकरी। और सबके पास मोबाइल चैनल है, सुनो मोबाइल चैनल है, उसमें तुम भी होगे सारे, बहुत सारे अंधभक्त भी। तेजस्वी यादव तुम 10 लाख के वादा किया था कब पूरा दोगे? आप हमका बाबू दे दिया नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार बोला था नहीं दिया उसको चाचा दिए नौकरी, उसको चाचा नौकरी दिए उसको, पापा मम्मी की सरकार 20 वर्ष थी ना, अंदर राज का कुछ हुआ अंदर राज का कुछ हुआ आप बेचारे करवा कुछ हुआ शर्मा आप बेचारे करवा कुछ हुआ उपेंद्र कुमार नाम है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि चाचा का शरीर तो उधर है लेकिन मन इधर है, क्या लगता है? सही बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। भैया जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नौकरी दिया है तो बीजेपी के तो सरकार में 17 वर्ष रहा ना नीतीश कुमार, तो काहे ना नौकरी दे दिया? का अभी मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है तो काहे नहीं लोग को नौकरी दे रहा है? काहे ना दे रहा है? तो 17 महीना रहा तो 17 महीना 5 लाख नौकरी दे के देखा चुका है, अभी तो बीजेपी की सरकार में है ना नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार नहीं, नहीं। ओ, अभी तो है अभी नीतीश कुमार तो कहा है ना रोजगार दे रहे हैं, अभी कहा है ना नाम नहीं आगे करते थे दसवीं आदमी माता पिता ये काम भी किए थे। हम बोल रहे नीतीश जी अलग शरीर और मन दोनों भाजपा के साथ, दोनों भाजपा देखे हो ना, तेजस्वी बोल रहे हैं कि मन इधर है, तेजस्वी बोल रहे हैं वो कहने से क्या हो जाएगा, दोनों नीतीश जी का इधर ही है, हाँ भाजपा इधर ही रहेंगे, अब कहीं नहीं जा, अब कहीं जाने ना, अब नहीं जाने। नीतीश कुमार जब उधर थे महागठबंधन में तब बोले थे कि 14 में जो जीता वो 24 में नहीं आएगा। मैं बताता हूँ आपको, 2005 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद ये राजद के साथ गए, राजद अपनी गोद पे बैठाया, इनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद फिर ही भाजपा में आए, भाजपा ने गोद में बैठाया, फिर मुख्यमंत्री बनाया, इसके बाद फिर ये राजद में गए और राजद ने गोद में बैठाया, ये मुख्यमंत्री बना दिया। कोई राजद का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना, न कोई भाजपा का मंत्री मुख्यमंत्री बना, और फिर ये भाजपा में गए हैं और अब तन मन धन से पूरा भाजपा में। जी हाँ, अब कहीं नहीं जाएंगे ये पे कहीं ना। और रही बात नौकरी की तो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री नौकरी देता, उप मुख्यमंत्री नौकरी नहीं देता। 1,80,000 शिक्षकों की बहाली की और गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर दे कर करके वो किया, शिक्षकों की बहाली की, इस तरह से टोटल 4 लाख बहाली की। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री कैसे नौकरी देगा? हम यही कहना चाह रहे हैं, जो रोजगार 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 तो नीतीश जी दे रहे थे लेकिन बीच में जो गड़बड़ झाला कर रहे थे पैसा पे लेके, जो पैसा का जो पुराना आदत है उनका, इसी वजह से जो गठबंधन तो था उसका मेन वजह यही था, पैसा वो लोग घपलेबाजी कर रहे थे, पैसा ले लेके नौकरी देने का काम कर रहे थे, तो नीतीश जी ने अलग होने का विचार किया और अलग हो गए। देखिये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा का शरीर तो उधर है लेकिन मन जो है वो इधर है, सच है? नहीं, ये गलत है, गलत है। तन मन धन सब भाजपा के साथ है। अच्छा। चाचा का उनके तन मन धन सब भाजपा के साथ है, सब भाजपा के साथ। हाँ, उनके पास कुछ नहीं, खाली शरीर है। गलत बोल रहे हैं क्या ये? ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, अपना वोट काटने के लिए ये अगर जो भी सवाल ये पूछता है कि तन है ना उनके साथ है मन मेरे साथ है, तो RJD का जो है या इंडियन पार्टी का जो है उसका वोट काटने के लिए इस प्रश्न पूछा जा रहा है, वोट काटने के लिए। तो आपने जनता की राय को सुना, जनता ने खुलकर बताया कि आखिर जो तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं कि चाचा का शरीर तो उधर है लेकिन मन इधर ही है, इस पे जनता ने खुलकर अपना जवाब रखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।